लूना 25 से 4 दिन पहले पहुंच जाएगा चंद्रयान 3। एक्स्ट्रा थ्रस्टर इंजन को ऑन कर रूस से पहले चांद पर उतरेगा चंद्रयान 3। इसरो वैज्ञानिक का बड़ा खुलासा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की ओर से भेजे गए चंद्रयान 3 ने चांद की तीसरी कक्षा में प्रवेश कर लिया है। वहीं कल ही रूस ने भी चांद के लिए अपना लूना 25 मिशन लॉन्च कर दिया है। कल रात में डाले हुए वीडियो में हमने आपको समझाया था कि कैसे रूस ने अपने शक्तिशाली रॉकेट सोयूज 2.1B का इस्तेमाल करके पृथ्वी का आधा चक्कर लगाकर ही सीधा लूना 25 लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री LTT में डाल दिया है। यहां तक पहुंचने में चंद्रयान 3 को 18 दिनों का समय लगा था। अगर आपको इस बारे में और विस्तार से समझना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है। चंद्रयान 3 और लूना 25 दोनों मिशनों के लॉन्च होने के बाद पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि दक्षिणी ध्रुव की ये रेस कौन जीतेगा। क्या चंद्रयान 3 पहले पहुंच जाएगा या फिर लूना 25 हमें पीछे छोड़ते हुए रूस चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन जाएगा। इसी बीच अब हर तरफ भारतवासी के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। चंद्रयान 3 एक्स्ट्रा थ्रस्टर इंजन को फायरिंग करके अपनी समय सीमा से 4 दिन पहले चांद पर उतर जाएगा। यानी जो चंद्रयान पहले 23 अगस्त को पहुंचने वाला था अब 19 अगस्त को पहुंच जाएगा और हम होंगे चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाले पहले देश। जी हाँ, ये सच है, हम आपसे ये कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। ये दावा खुद इसरो के पूर्व वैज्ञानिक तपन मिश्रा ने किया है। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक तपन मिश्रा हिंदुस्तान समाचार से विशेष बातचीत में कहते हैं कि रूस के चंद्रयान मिशन से हमारे चंद्रयान 3 का कोई मुकाबला ही नहीं है। इसे प्रतिद्वंदिता के तौर पर बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए। एक तरफ रूस 60 के दशक से अंतरिक्ष अभियानों में अग्रणी है तो भारत ने अभी शुरुआत ही की है। बहरहाल भले ही लूना 25 को बहुत ही शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया गया हो और इसे चंद्रयान 3 से पहले चांद पर पहुंचने का दावा किया जा रहा है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रयान 3 लूना 25 के मुकाबले अधिक महत्वाकांक्षी मिशन है। चंद्रयान 3 मिशन की उपलब्धियों के बारे में बिंदुवार बताते हुए तपन मिश्रा कहते हैं, भारत के इस महत्वाकांक्षी अभियान में केवल 615 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है, जो देश के अंदर एक छोटा सा फ्लाईओवर निर्माण के खर्च के बराबर है। इतनी कम राशि में हमारा मिशन चांद के उस हिस्से के लिए निकला है जहां दुनिया का कोई देश आज तक नहीं पहुंचा। ऐसे में लूना 25 का चंद्रयान 3 से कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ये तेजी से दुनिया में आगे बढ़ रहे भारत के लिए गौरव का क्षण है कि हम इतने कम बजट में आसानी से चांद की कक्षा में पहुंच गए हैं। तब उनसे पूछा गया कि क्या इसरो रूस के पहले चंद्रयान 3 को चांद पर उतार सकता है, क्या ऐसा संभव है? तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ ऐसा संभव है, क्योंकि हमारा चंद्रयान पहले ही चांद की कक्षा में पहुंच चुका है और लूना 25 तो अभी लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री यानी पृथ्वी और चांद के बीच सीधे लंबे हाईवे पर है। चांद की कक्षा तक तो उसको पहुंचने में 5 दिन का समय लगेगा। ऐसे में अगर इसरो चाहे तो तय तारीख से 4 दिन पहले ही मौजूदा साइंटिफिक आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए 0 एरर के साथ चंद्रयान 3 को शेड्यूल लैंडिंग साइट पर उतार सकता है। दरअसल इस अति महत्वाकांक्षी मिशन को लूना 25 के प्रतिद्वंदिता से जोड़कर नहीं देखा जा रहा, इसलिए रिस्क नहीं लिया जाएगा। यानी उनका कहने का मतलब था
कि अगर इसरो वैज्ञानिक चाहें तो आसानी से तय समय से काफी पहले बिना गड़बड़ी के चंद्रयान 3 को चांद पर उतार सकते हैं, लेकिन इस मिशन का मकसद चांद पर पहले उतरना नहीं है, इसलिए इसरो वैज्ञानिक ये कभी नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है, इसरो को चांद पर चंद्रयान 3 को एक्स्ट्रा थ्रस्टर इंजन को ऑन कर उतार देना चाहिए या फिर कोई रिस्क ना लेते हुए तय तारीख को ही उतारना चाहिए? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चंद्रयान 3 और लूना 25 पर आगे की अपडेट्स भी आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।